अरे मुझे तो पता भी नहीं था, कभी ये दांत खराब कर दांत करवा के आती है, कभी बाल करवा के आती है, तेरे चक्कर क्या है? बिना देखे शादी कर ली? गांव मैंने तो मना कर दिया था, फर्स्ट टाइम में मना कर दिया। वो तो फिर इसके मामा जी वगैरह आए थे घर पे रिक्वेस्ट करने के लिए। तो मैं दोबारा से आ गई हूँ संजीव भैया के पास, और मेरे जो बाल है वो बहुत ही ज्यादा नीचे से बेजान हो गए हैं। इट्स टाइम आई कट देम ऑफ, क्योंकि ये जो बाल है ये बहुत ज्यादा जब ड्राई होते हैं तो ये ऊपर वाले बाल लेके निकलते हैं। गाइस दीदी के बाल कटने वाले हैं, ये कट गए, कट गए, अब तो कट गए। जितने आपने बताया था ना उससे कम काटे भैया ने। तो मेरे बाल कई सालों से इतने छोटे नहीं हुए हैं। ट्रस्ट मी, बहुत सालों बाद मेरे अपने बाल इतने मतलब कम देखे, मतलब इतने छोटे देखे, और ना हमेशा मेरे ऐसे हिप से हमेशा नीचे जाते हैं बाल, बहुत डेड हो गए थे। आप देख सकते हो डेड हो गए थे। उनका कलर अलग है, मेरे बालों का कलर अलग है। जो मेरे बालों में जो प्रोटीन मान लो, पिगमेंट मान लो, वो नीचे तक नहीं जा पा रहा था क्योंकि मेरी डाइट वगैरह की वजह से। अभी we are sorted। हमने वाले सूरज को बहुत ही बड़ा शौक, क्योंकि ऐसे मतलब इतनी लेंथ, मतलब मेरे हिप से ऊपर लेंथ मैंने कब करवाई होगी, बहुत पहले कभी, जब मेरे बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो गए थे। जैसे अब ये मैंने करवाया कोई कम से कम 5 साल पहले, अब जाके वो बाल मतलब ऐसे बोलते ना कि वापस उतनी लेंथ बहुत लंबी हो गई थी, बहुत ज्यादा डैमेज हो गए थे। क्या होता है ना, एक लेंथ के बाद आपके बालों में प्रोटीन और पिगमेंट खत्म होने लगता है। सो बेसिकली आप प्रोटीन प्रोवाइड नहीं कर पाते हो, एंड लेटली मेरी डाइट भी इतनी अच्छी नहीं चल रही, तो मुझे वो फील हो गया था। क्योंकि क्या होता है ना, बाल जब नीचे से बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं तो वो टूटते हैं, और वो ऊपर वाले बालों को साथ में लेके टूटते हैं, तो आपके बालों के लिए बहुत डैमेजिंग होता है। इसलिए रेगुलर कट करवाना चाहिए, ट्रिम करवाना ही चाहिए। तो अभी हम जाएंगे सूरज को देंगे सरप्राइज या शॉक, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। तो बहुत मजे हो रही हूँ, वो देखता है ना जब भी बाल कटा के, तो बाल कटा के मैंने इतने बाल कटाए, आएंगे मजे। मतलब जाके मैं तो बस हो जाऊंगी मेरे बालों में ऐसा ऐसा, मैं कहूंगी कि मेरे बाल बहुत ज्यादा कट गए। अब देखते हैं सर क्या, ज्यादा कट गए, ज्यादा कट गए संजीव भैया, ज्यादा कट गए। बेचारे संजीव भैया को क्यों ला रहे अपन नीचे, कोई नहीं, बट बहुत मजा आएगा इस टाइम में, क्योंकि मेरे बालों की मतलब ऐसा है कि मेरे बालों को सिर्फ मैं प्यार नहीं करती, बहुत मतलब बहुत ज्यादा से कॉस्ट हमारी सूरज फैमिली तो करती है, बट सूरज मेरे बालों को लेकर बहुत अच्छा है कि किसी बाल कट गई हो क्या, वो गया, तो मैं बहुत गंदा प्रैंक करने वाली हूँ। आई एम फीलिंग गिल्टी ऑलरेडी, बट बहुत मजा आएगा। चलो रेडी, कितने ज़्यादा कट गए, क्या करी? वाली कटाई, इतने कटवा दिए? देखो क्या बहुत कटा दिए। अरे संजीव ऐसे थोड़े से ज्यादा कट गए, दीदी ने कम बोले थे। अरे यार छोटे हो गए ना, छोटे हो गए ना बहुत ज्यादा। देख यार, अरे यार छोटे हो गए काफी यार, तो बहुत छोटे हो गए। तू कटवाए भी क्यों तूने बाल? पागल हो रहे यार, मेरे नीचे से बहुत गंदे हो रहे थे बाल, अब टूट गए थे आज बहुत ज्यादा, वहाँ बहुत टूट गए थे। परेशान हो गई इसलिए मैंने कटा दिए। पागल ज्यादा कटवा दिए यार तूने, पता है यार मैं परेशान हो गई थी यार। चल ठीक है कोई बात नहीं, उग जाएंगे तो वापस उग जाते हैं, इसके बढ़िया हो जाते हैं। वैसे भी इसकी वो जो नीचे वाले बाल थे कमजोर ही हो जाते थे। चल कोई बात नहीं, कोई बात, उग जाएंगे वापस, उग जाएंगे कोई बात नहीं। खुद परेशान हो गए मेरे ऊपर प्रैंक कर रही है, परेशान होगा मतलब तू मेरे बालों के लिए परेशान नहीं होगा, मैं तेरे बालों ज्यादा तेरे लिए परेशान होगा ना, कि तू परेशान है तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, हो गए तो हो गए, ठीक है अपन सही है, तेरे बाल सही है, कोई दिक्कत नहीं। यार मैंने पता है क्यों कटा, क्योंकि मेरे नीचे के बाल बहुत ज्यादा गंदे हो गए थे, उस वजह से क्या होता है ना ड्राइनेस से बाल ज्यादा टूटते हैं, इसलिए मैंने करा दी। कैसे लग रहा है संजीव पे नाम लगा दिया कि उन्होंने काट दिए ज्यादा भैया। दीदी दीदी ने तो और ज्यादा बोले थे उन्होंने कम काटे हैं। हां उन्होंने उल्टे कम काटे, मैं तो और बोलती हूं मैं भैया काट दो यार। बड़े लंबे बालों में यही दिक्कत होती है, नीचे तक ना वो नहीं पहुंच पाता प्रोटीन, वो उन्होंने मुझे बोला बोले ऐसे तेरे बालों में नीचे प्रोटीन नहीं पहुंच पा रहा, और बाल पता जो बाल काटे ना उनका कलर और मेरे बालों का कलर तो देखा ना बहुत डिफरेंस था, वो ब्राउन है या ब्लैक है। हाँ उन्होंने को बोला काट दो, मैंने तो ज्यादा बोले तो उन्होंने कम काटे, वो तो मैं ऐसे ही प्रैंक के लिए बोल रही हूँ, उन्होंने तो बहुत कम काटे भाई। मुझे तो सही इसके लंबे बाल सबसे अच्छे लगते ना यार, उग जाएंगे वैसे इसके लंबे हो जाते हैं। कितने सारे ड्रामा उसको है भाई, मेरे को तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा है इतने बाल कटवाए। अरे तो यार बहुत खराब हो गए थे वो बाल, उनमें देख खान पान अपना आजकल सही हो नहीं रहा है, तो उसकी वजह से ना बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं जाता, उससे पता क्या खान पान का मैं ध्यान रखूं। पर अपनी चाली में भी बोलती हूँ कि अगर आपके बाल डेड हो गए तो उनको काटो, नहीं तो आपके ऊपर के जो बाल है मतलब जो आपके हेल्दी बाल है ना वो भी खराब हो जाएगा। क्या हुआ पता है तुझे, ये बालों की लेंथ मैंने 5-6 साल पहले कराई थी, जब मेरे बाल बहुत ज्यादा खराब हो गए थे ना, एक बार पहले भी ऐसा हुआ है तब मैंने कराई थी, और आज मैंने कराई है। कितने बाल निकले? इतने तो निकले होंगे, इतने बाल कट गए
इतने तो मेरे चार बार लगा लेगी, तू बाल हो जाएगी। चल ठीक है, तू खुश तो ठीक है, सब सही है। हाँ पहले बहुत ज्यादा परेशान थी, अब मैं खुश हूँ। यार बहुत ज्यादा खराब। चल कोई बात नहीं, तो इसके बढ़ जाते हैं। बाल तो बालों की मेरे ग्रोथ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे वो ड्राइनेस की थी जो मैंने हटा दी। तू भी करा ले भाई। तो चुप रहो, आपको कोई दुख है? कोई दुख नहीं है आपको। उनको खुद के बालों का ही नहीं है। वो सोच रहा था बाल ही तो कटा गया है, क्यों दुखी क्यों हो रहे हैं लोग? दोबारा हो जाएंगे यार, नसीब में होंगे तो उड़ा देंगे। ये बात है, पैसे होने 1,00,000 रुपए उड़ाए हो, नसीब में होंगे तो फिर आ जाएंगे। पैसों की अलग बात है भाई, नाखून ये बाल और ये सब तो अलग चीज है। बीएड बीएड तो आदत नसीब में होगी, नाक जैसे नाक नसीब में होगा तो उड़ा देगा। दुखी क्यों हो रहे हो आप? लेट्स गो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट की साइड, सिटी में जा रहे हैं बेसिकली, जहां हम जाने के लिए हमेशा मना करते हैं, लेकिन यशी को कुछ वीडियो शूट करनी है, मुझे भी थोड़ा बहुत शूट करना है, इसलिए हम लोग सिटी जा रहे हैं। हमारे को ऐसी जगह पे ले जा सकती है सिर्फ शूट ले जा सकते, और खुद का कोई काम वाम हो तो नहीं जा सकते हम। मैं तो बोल रहा हूँ सिटी जा रहे हैं जहाँ हम मना करते हैं जाने के। हाँ, गाइस बताओ। और वो सिर्फ शूट के लिए हम जा सकते, कुछ और काम हो तो नहीं जा सकते। चलते चलते सोन पापड़ी खा रहा है। फर्स्ट टाइम से तो बिल्कुल नहीं जा सकते, हमारी किया से जाएंगे। बाहर इतना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है कि अंदर इसको बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे इसलिए पसंद ही नहीं यार, काम के मन से आते हैं, ये काम ट्रैफिक में बिगड़ जाता है मेरा तो, पूरा मेरा मूड ही पूरा खराब हो जाता है यहाँ ट्रैफिक में आके। जयपुर नया दिल्ली और मुंबई बन चुका है, यहाँ पे हर टाइम इतना ट्रैफिक रहता है। और जैसे ये तो सिटी है, तो सिटी में तो चलो मानते हैं, नॉर्मल में भी बहुत ट्रैफिक होने लग गया है। हमारे घर से बाहर निकलो सीधा ट्रैफिक, दिन के टाइम ट्रैफिक है, सोच अभी शाम को क्या हालत होगी यहाँ पर। अपन जाते आते अपन को शाम हो जाएगी, शाम को पता नहीं क्या हालत होने वाली यहाँ पर। अब यार क्या करें, पूरा दिन सिटी के अंदर निकल जाता, मुझे इतना गुस्सा होता है ना इधर जाने में, काम नहीं होता तो मैं हूँ नहीं इधर। पागल दांत मत पीछे, नया दांत गिर जाएगा टूट के। गाइस हम आए थे हवा महल में और दीदी यहाँ तो बहुत बच्चे मिल गए दीदी को, जाने ही नहीं दे रहे। अरे कहीं बाहर से आए और ये आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। तो हम लोग सिटी में आ चुके हैं और यहाँ पर ये इसको क्लिक करवानी है, ये हम लोगों ने बहुत पहले व्लॉग बनाया था, 175 साल पुराना कैमरा, उसमें फोटो क्लिक करवा रही है यशी। कुछ ऐसी फोटोज आती हैं ब्लैक एंड व्हाइट, 1860 से जो कैमरा है इनके पास, पहले के जमाने में जो फोटोज क्लिक करते थे ना कुछ इस टाइप की होती थी, वो फोटो इसको क्लिक करानी है। बाकी हम लोग को थोड़ा सा आगे शूट करना था, वो हम लोग थोड़ा सा करके आए फटाफट फटाफट। और हमारी गाड़ी की पार्किंग ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर हम लोग को मिली, वो भी एक अपन को जाना है 10 मिनट के अंदर, कोई किसी गाड़ी के आगे खड़ी करके आए अपन लोग। अलाउड ही नहीं है, सब जगह बंद है रास्ता। अरे कल मोदी जी आ रहे हैं शायद इसलिए। 1 2 3 हिलना मत वरना ब्लर हो जाएगी फोटो। गाइस यहाँ पे भी बच्चे आ चुके हैं इतने सारे। कहाँ से आए भैया ये सब? भोपाल मध्य प्रदेश। अच्छा, बिग फैन ऑफ याशी। दिखाना फोटो, खोल नहीं सकते अभी, खोल नहीं सकते 30 मिनट्स तक, आप मतलब इसको टच नहीं कर सकते क्योंकि केमिकल लगा हुआ है, 30 मिनट्स बाद करेंगे। चलो, मैंने पहले भी ली हुई है यहाँ पे फोटो। गाइस सूरज भैया ने लोकेशन भेजी है कि यहाँ आ जाओ पैदल पैदल, ये देखो दीदी भाग के जा रही है। आज कोई ई रिक्शा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कल यहाँ पे हमारे पीएम आ रहे हैं मोदी जी, तो उसके लिए सारी सिक्योरिटी टाइट कर दी है, सभी पैदल चल रहे हैं। रोड ही बंद है, रिक्शा वाले भैया निकलते हैं, पता क्या बोले, मोदी जी ने तो सबको पैदल चलवा दिया। उनका रिक्शा भरा हुआ था ना इसलिए। हाँ, उनका रिक्शा भरा हुआ था। इस गली में खड़े हैं वो, अंदर जाके कहीं अंदर चलो, अंदर चलते हैं उनके पास। यहाँ तो सीन बिल्कुल खराब है, आगे से रास्ता बंद पड़ा है, क्या सीन है उधर साइड से, गली से दिख रहा है कि यहाँ से भी बंद है, हम यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे, हमको ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है और यहीं खड़े हम लोग। यार भगवान जाने ऐसा कैसे जाम लगाया, क्या बंद हुए रास्ते यार। भानु गए थे कोई बाहर देखने के लिए। दोस्तों फाइनली जाम से निकले, 7 बज गए भाई। और भानु जा रहे हैं अभी मिकू और इसकी सूरज के लिए कुछ खाने को लाने के लिए, बेचारे बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं खाया, दिन में लंच भी नहीं करा था, तो कि आके कर लेंगे भाई पूरा। भाई साहब सॉरी हो गई, कुछ काम हो चाहे नहीं हो, मैं जानता ही नहीं कि जयपुर के अंदर कोई सिटी वाला एरिया है। साफ बात, क्यों खिला दे भाई, खिला रहे मुझे तो कुछ खिला दे भाई, बस ला दे। चलो हम आ चुके हैं राजा पार्क और हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि हम खाते खाते चल रहे हैं, अब कुछ मिले ना मिले हमारा काम तो हो गया। उनके लिए तो ले लो, सूरज के लिए लेते हैं। दोस्तों ये आ चुका है बनमस का और ये चाय, बाकी लोग पता नहीं कहाँ पर हैं, मैं तो खाना चालू कर रहा हूँ। हम लोग आ गए हैं बॉम्बे सैंडविच, सेवपुरी, भेलपुरी, सेवपुरी स्वीट कॉर्न मेरे लिए लेने के लिए, हमें बहुत भूख लग रही है, हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया ऑर्डर। ये हमारा खाना और ये है मेरा खाना स्वीट कॉर्न, और भालू लिया है मोमोज। बाप रे पार्टी हो गई आज तो, देखते रहो कितना सारा खाना लाई हूँ। ले इतना खाऊंगा नहीं, मीकू भी तो खाएगी, भानु भी तो खाएगा, ये लोग भी तो सुबह से घूम गए, और मैं तो एक स्वीट कॉर्न खा के दूसरा खा रही हूँ। अरे चाय में उंगली दे दिया, गिलास में उंगली अंदर चली गई, मैंने कहा ये क्या है,
ये बन मस्का है। कैसा है? दो तो खा लिए। ठीक है, और चाय? चाय पीऊंगा, अब तो आ गए डिस्टर्ब करने, आराम से खा पी रहा था। ठीक है ठीक। कैसा लगा, कैसा लगा? मोमोज लाए, भेलपूरी लाए तेरे लिए, खा। इतना क्यों उठा ला, भूखा था मैं। ठीक है, हो गया मेरा, दो बन मस्का खा गया। आप बोलते सेव पूरी, बेल पूरी, सैंडविच। मुझे थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। क्यों? पैदल जाके दूसरे कोने से तेरे लिए बस सैंडविच लेके आया और तूने एक भी नहीं खाया था। खा लूंगा, रुक जा थोड़ी देर, खा लूंगा यार। मैं दो कप चाय पी गया, दो मन बन मस्का खा लिया। दो कप चाय पी गए आप? क्यों, मेरी नहीं बनोगे थी? कोई बात नहीं बानू, मेरे चाय की जगह तू वो खा ले। नहीं नहीं, खाना नहीं है मुझे। अगर तूने बर्गर नहीं खाया। अरे यार अभी तो ना दोस्तों शॉपिंग करने और जाना है। मिर्ची लगी? क्या खा लिया? दाबेली। दाबेली में मिर्ची नहीं होती? होती है। तो स्वीट कॉर्न खा रही बैठे बैठे? बढ़िया, कुछ भी नहीं। स्वीट कॉर्न खाएगा क्या? सैंडविच तो खाएंगे, खाएगा स्वीट कॉर्न, दूंगी नहीं दोस्तों। हर एक एरिया, हर एक कोना जयपुर का, मुझे लगता है सबका रोड पे आ गए और फिर वापस नहीं जा पा रहे। सब फंस गए यहाँ बाहर, सब जाम पड़ा है। हर एक बड़ी से बड़ी रोड जाम पड़ी है। गलियां तो छोड़ो, बड़ी रोड जाम पड़ी है। मेन रोड 25 किलोमीटर चल सकती है सिर्फ, और 25 मीटर चल पाता हूँ मैं थोड़ी देर में तो, और ये 1 किलोमीटर कम कर देती है। भगवान। और इसका राइट साइड की लाइट का भी कुछ दिक्कत चालू है। क्या दिक्कत चालू है? लाइट ही बंद हो गई शायद, कुछ दिक्कत दिखा रहा है। ये दोस्तों मैंने ले लिए हैं ढेर सारे कपड़े, ढेर सारे क्या, दो शर्ट ले ली और एक शूज ले लिया, व्हाइट ही लेने पड़ रहे। देखो ये व्हाइट हो चुके हैं खराब और दूसरे भी हो चुके हैं खराब, और कल के लिए मुझे जो इवेंट में जाना है उसके लिए मुझे चाहिए व्हाइट शूज। सिर्फ मुझे व्हाइट पसंद है। बच गया, अभी फोन भी जाता खराब। हेलो गाइस, कौन चप्पल अंदर पहन के आया पहले तो मुझे ये बताओ। अंदर की चप्पल रखती हूँ मैं, ये अंदर की चप्पल बाहर। एक सेकंड, अंदर की चप्पल बाहर से पहन के अंदर आ रही हो आप? सही बात है, होट कुचल ले और कुचल ले थोड़े से। अरे यार अंकल, पूरा जयपुर जाम पड़ा है यार, इतना फंस गए। आज दिन के गए हुए हम, दिन के अभी आए हैं जैसे आप लोगों से 15 मिनट पहले। हर जगह जाम लग रहा है अभी। मोदी जी आ रहे हैं कल, तो पूरे रास्ते कर दिए बंद। साला दिन में देखो तो इतना प्रदूषण है कि पूरा मतलब धुंध के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। वो ठंड की वजह से? अरे पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन है, धुंध नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ अंकल पैदल चला करो, गाड़ी वाड़ी छोड़ो। गाड़ी दिलाई क्यों थी फिर? फिर दी क्यों हमारे को गाड़ी? एक बार बताओ, हमारी आदत तो डाल दी तुमने गंदी। ये तो रख दो नीचे से पकड़ के खड़े हो। इसके बाल देखे कितने कटवा के आ गई है। कौन ये? ये आपकी बड़ी बेटी? अरे दिखा इतने बाल, हाथ के जितने बाल कटवाई। खड़ी हो? हाँ खड़ी हो। हाँ वो पागल है क्या? ये क्या करवा के आई है तू? ये क्या करवा लिया भाई? क्या करवा लिया? खराब हो रहे थे कटवा दिए। कभी खराब हो रहे थे, अच्छे बने थे बाल तो। इतने लंबे लंबे बाल थे जिनकी करवा दी इसने सी। अरे तो क्या हो गया? क्या हो गया? क्या बढ़ने में कितना टाइम लगेगा? तो बढ़ने में तो टाइम लगेगा ही अब, लेकिन क्या करूँ, खराब होने से तो कटवा दो। क्या जरूरत थी कटवा दो भाई? अरे मुझे तो पता भी नहीं था, चली गई, हमें क्यों पता था? अरे हम अभी खराब हो रहे थे। ये तो और ज्यादा बोल रही थी, उन्होंने कम किए हैं। उन्होंने कम काटे हैं। इतने कटवा दिए, ये तो इतने कटवा दी सीधे ही। अरे कभी ये दांत खराब कर, दांत करवा के आती है, कभी बाल करवा के आती है, चक्कर क्या है समझ? दांत थोड़ी कटवा दिए मैंने, दांत तो यही है। क्या साल भर तक वो दांतों के वो तार लगवा रखे थे बिना मतलब? मेहनत से बढ़ते हैं बाल, तो मेहनत से बढ़ते हैं तो बढ़ जाएंगे वापस से। मेहनत से बढ़ते हैं, इतना भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, खींचना पड़ता है बालों को, तब जाके बढ़ते हैं। सही बात है, सही बात है। 50 पुशअप लगानी पड़ती है रोज, इतनी मेहनत लगती है बाल बढ़ाने में। अरे पुशअप के लिए अरे तो छोटी के छोटे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े छोटे यूं कर दिए तो यार खराब हो गए। यार लंबे बाल अच्छे रहते हैं, ये कटवाई बिना मतलब में मेरे बाल नहीं बढ़ते थे, मेरे को बड़ा दुख है। तो आप तो लड़के हो, आदमी लड़के हो, मेरे को बहुत दुख है, मेरे बाल नहीं बढ़ते हैं। मेरे का थोड़ी अच्छी ग्रोथ आएगी इसके लिए कटवाए। आपकी नहीं हो पाएगी, वो करा लो एकदम ट्रिम। अरे मैं सोच रहा हूँ मशीन में लगवा लूँ, जल्दी बढ़ेंगे बाल। ऐसा भी कुछ नहीं, आपकी उम्र है ना, हर चीज की उम्र होती है, बालों की भी उम्र होती है। यार अब आप कितने साल के हो? 21-22। क्या फोन मारी है? 21-22 तो बस जाओ चिल्ला रहे। मेरा बाल यहाँ नहीं हुआ था, मेरा व्रत विवाह हुआ था। व्रत विवाह कैसे? 30 साल में हुआ था। देखो खुद की शादी तो हुई है 30 में। हाँ। और ऐसे इनसे कभी पूछो ना, लड़कियों की उम्र यही होती है 23 में शादी कर दो। मैं 23 के लिए नहीं बोल रहा, मैं 25 में बोल रहा हूँ, 25। बात वैसे पलट गए, पलट गए एकदम से। मैंने तो आप कितनी, आप क्यों 30 में करे थे? आपको लड़की नहीं मिली होगी। यार हमारी तो कुछ मजबूरियाँ थी। क्या मजबूरियाँ थी? अब यार तुम्हें कैसे बताऊं मजबूरी? ये कोई बात नहीं। आंटी कैसे मिली आपको? हाँ अंकल, आंटी कैसे मिली? अरे आंटी तो वो गांव में मिली थी यार, हमारे गांव में शादी में गए थे, वहाँ मिल गई है। तो
स्टाइल स्टाइल कुछ नहीं यार, हम तो शादी में बिजी थे, वो तो एंड टाइम के ऊपर सूट पहना था लड़कियों का ध्यान बिल्कुल नहीं होता, पर लड़के होते हैं पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। नहीं गलत बात, हम कभी किसी के पीछे नहीं भगे। सही बात है, नहीं कभी नहीं भगे। आंटी ने क्या पहना था उस दिन? आंटी ने तो वो सलवार सूट पहन रखा था। मेरे को तो याद है ना, बस तो फिर अपन अपनी नजर थी ना। यार मैंने क्या पहना था वो याद नहीं है मेरे को। ओह माय गॉड, ये खो गए थे। अरे अंधेरे में दिखाया था एकदम, वो बिल्कुल काली काली नजर आ रही है। कुछ दिखाई नहीं, शक्ल कैसी है कैसी नहीं, अंधेरा। बिना देखे शादी कर ली है? बिना देखे शादी कर ली? गाँव मैंने तो मना कर दिया था, फर्स्ट टाइम में मना कर दिया। फर्स्ट टाइम तो रिजेक्ट कर दिया था भाई। यार देख, हम लड़कों में पता नहीं कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आता है, वो हितेश जी दो तीन जनों को रिजेक्ट कर दिया। दो तीन नहीं, छह सात लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया। वो अंकल आंटी को रिजेक्ट कर दिया भाई साहब। अरे मैंने क्या कहा था, टाइम को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मुझे क्या पता किस्मत तो ये बैठी है मेरी। तो फिर वापस कैसे आ गई आंटी? अरे वापस तो यार वापस उजाले में देखी होंगी। उजाले में नहीं देखा था वो, तो फिर इसके मामा जी वगैरह आए थे घर पे रिक्वेस्ट कर। हाँ रिक्वेस्ट करने थोड़ा सा मेरे को यूं हुआ फीलिंग बन गया यार, चलो करनी तो है, जैसी है वैसी से कर लो। ओह जैसी है अंकल ने कर दो।